दोस्तों आज जो आपकी फरमाइश ली है वो है हनुमान जी का बहुत ही सुंदर भजन की जो केसरी के लाल। ये फरमाइश आपने हारमोनियम पर भी की थी और पियानो पर भी, तो हारमोनियम पर तो ये फरमाइश आपकी मैंने पूरी कर दी है, आप सीख सकते हैं, और आज हम पियानो पर भी इसे सीखने जा रहे हैं। हारमोनियम पर जिसको सीखना हो वो हमारे नए चैनल सीखो सरल हारमोनियम पर जाकर सीख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा। चलिए तो सीख लिया जाए बहुत ही सरलता के साथ। नमस्कार, मैं हूँ संजय और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद चैनल सीखो सरल। तो इस सुंदर से भजन के लिए हमने स्केल रखा है सी शार्प मेजर, ताकि सबकी समझ में बहुत अच्छे से आ जाए। तो इस भजन को हम सीखेंगे सी शार्प से, जिसको भारतीय संगीत में पहली काली भी कहा जाता है। तो भजन की जो पहली लाइन है वो है की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ही काम। तो पहले इस लाइन को मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ किस तरह से प्ले होगी, फिर इसी लाइन को धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप नोटेशन के साथ मैं आपको सिखाता चलूंगा। देखिए, चलिए अब इस लाइन को धीरे धीरे आराम आराम से देखते हैं। तो सबसे पहले सीखेंगे की जो केसरी के लाल, पहले इतना सीखेंगे। देखिए, की जो केसरी के लाल, की जो केसरी के लाल, ठीक है, इतना क्लियर। अब इसके बाद मेरा छोटा सा एक काम, ये स्टार्ट होगा एफ शार्प से, मेरा छोटा सा ये काम, मेरा छोटा सा ये काम, कॉर्ड लगा दीजिए सी शार्प मेजर। तो एक बार पूरी की पूरी लाइन सिंगल फिंगर से कंटिन्यू धीरे धीरे देखेंगे की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। कॉर्ड लगा देंगे सी शार्प मेजर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आप अच्छे समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो प्लीज आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना। वीडियो पर आपके जो लाइक आते हैं उनसे हमारी जो मेहनत है वो पता चलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक आगे बढ़ने से पहले जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद लाइन है मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, ये लाइन बहुत ही प्यारी है जो कि शुरू होगी जी शार्प से। देखिए, चलिए अब इस लाइन को भी धीरे धीरे आराम आराम से समझते हैं। सबसे पहले मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, ठीक। अब इस लाइन को सिंगल फिंगर से कंटिन्यू देखिए धीरे धीरे, ठीक। अब इसके बाद लाइन है मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, और ये लाइन स्टार्ट होगी सी शार्प से। देखिए, चलिए अब इस लाइन को भी धीरे धीरे देखेंगे। सबसे पहले मैं राम संग जपता, अब तुम्हारा, अब सदा नाम, ठीक है। अब एक बार कंटिन्यू सिंगल फिंगर से पूरी लाइन को, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग भी काफी टाइम से पियानो सीख रहे हैं और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोगों को बेसिक समझ में नहीं आ रहा है और कुछ लोग बेसिक समझ गए हैं मगर अब उनको खुद से गाना निकालना नहीं आ रहा है, तो आप लोगों के लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो तैयार किया है जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक पूरी जानकारी मैंने दी हुई है, जिसमें आप खुद से पियानो बजाना तो सीखेंगे ही मगर साथ ही साथ खुद से गाने निकालने भी सीखेंगे। तो एक ही वीडियो में सब कुछ मैंने आप लोग के लिए तैयार किया है। अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मिल जाएगा, या फिर आई बटन में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलिए अगली लाइन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगली लाइन, अपने राम जी से कह देना
जय सिया राम। तो ये लाइन सेम टू सेम कौन सी लाइन है जो इससे पहले हमने सीखी थी, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, बस उसमें मेरी था, यहाँ पर अपने हैं, मगर नोटेशन सेम है, मेरी के भी वही हैं और अपने के भी वही हैं। तो पूरी लाइन की नोटेशन सेम टू सेम है। तो कैसे प्ले होगी, वैसे ही जैसे हमने सीखी हुई है, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, पास ही जी शाप से। ठीक, तो इसको दोबारा सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, वही कॉपी कर देना है। अब बारी आती है अंतरे की। तो अंतरे की जो पहली लाइन वो है दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, जो कि शुरू होगी जी शाप से। देखिए, बड़ा मजा आता है लाइन को प्ले करने में, बहुत ही प्यारी लाइन है। तो क्या है, दीन हीन के सहारे, अब महावीर तुम हो। तो एक बार सिंगल फिंगर से पूरी लाइन कंटिन्यू प्ले करेंगे, दीन हीन के सहारे महावीर तुम हो। अब इसके बाद लाइन है अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। तो ये लाइन भी सेम ऐसे ही प्ले होगी, देखिए, सुनने से ही आपको पता चल गया होगा कि सेम टू सेम वही लाइन है। ठीक है, नोटेशन आपको स्क्रीन पे भी दिखते रहेंगे, वहां से भी देखकर आप समझ सकते हैं। अब जो इसके बाद लाइन है, इस लाइन के बोल बिल्कुल वही है जो अभी हमने सीखी है, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। बोल देखो सेम टू सेम है, लिरिक्स जो है लाइन की सेम है, मगर बजेगी बिल्कुल अलग, क्योंकि इसके जो धुन है वो अलग हो गई, इसलिए इसके नोटेशन भी अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो लाइन सेम मगर नोटेशन चेंज। देखिए, पहले मैं प्ले करके दिखा रहा हूँ, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, बिल्कुल अलग नोटेशन के साथ, मगर शुरुआत वहीं से होगी जहाँ से हमने ये वाली लाइन करी थी, वहीं से शुरुआत होगी जी शाप से। देखिए, तो सबसे पहले सीखेंगे अपने भक्तों की जगाते, पहले इतना देखेंगे। देखिए, अपने शुरू वहीं से हो रही है, अपने यहाँ पर बी नोट भी इस्तेमाल हो गया। ठीक है, मेजर स्केल था मगर यहाँ बी नोट भी इस्तेमाल हो गया, यानी कि यहाँ पर कोमलनी भी इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, अपने भक्तों की जगाते, अपने भक्तों की जगाते, यहां पर जो अपने हैं, अपने में आप दो बार भी ले सकते हैं जी शार्प, ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे ऐसे ले लें, टाइमिंग वही रहनी चाहिए, चाहे दो बार लें तो भी और चाहे सिंगल लें तो भी, टाइमिंग का अंतर होता है बस। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद तकदीर तुम हो, ये स्टार्ट होगा डी शार्प से, रे से, तकदीर तुम हो। क्या किया, तकदीर तुम हो, तकदीर पे ध्यान देना है, तकदीर, अब तुम हो, तकदीर तुम हो। ठीक, तो पूरी लाइन एक बार सिंगल फिंगर से, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, पूरी लाइन कंटिन्यू सिंगल फिंगर से। सी शार्प मेजर। अब इसके बाद लाइन है, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। तो ये लाइन मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं, आप मेरे बजाते ही समझ जाएंगे कि कौन सी लाइन है। देखिए, तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, ये वही लाइन है जो हमने शुरू में सीखी थी, सबसे पहली लाइन की, जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ही काम। नोटेशन भी आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, सेम नोटेशन है। ठीक, तो यहाँ पर इस लाइन को भी सीखने की जरूरत नहीं है, वही कि वही आप कॉपी कर देंगे। ठीक, मगर हाँ, पहली लाइन में दो बार था सी शार्प की जो, और यहाँ पर हर सिंगल है। ठीक, बस इतना अंतर है। तो हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। ठीक,
और इसके बाद तो वही कॉपी हो जाएगी पूरी की पूरी, लिरिक्स भी सेम है और नोटेशन भी सेम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, वही की वही। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरा ये वीडियो भी आप लोगों को हर वीडियो की तरह पसंद आया होगा, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक तो पहले ही कर दिया होगा, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर आपकी भी कोई रिक्वेस्ट है, आप भी अपनी पसंद का कोई गाना या कोई भजन या कुछ भी सीखना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मुलाकात होगी आपसे आपकी अगली रिक्वेस्ट पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।